जय श्री राधे, हर हर महादेव। डिवाइंस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं डारा पूजा त्यागी। आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज ऐसा सवाल उठाने वाली हूं जो कि आप लोग, बहुत ज्यादा लोग मुझसे पूछते हो, पर्सनल रीडिंग में भी पूछते हो, कमेंट्स में भी पूछते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी एनर्जी स्टक है। ये क्या सवाल है? ये सवाल है कि मैम, मैं मूव ऑन करूं या मूव ऑन नहीं करूं, पर्सन का वेट करूं या आगे बढ़ूं। और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि जिस इंसान को इतना चाहा, इतना प्यार किया, उससे मूव ऑन करना इजी नहीं है। अगर इतना बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो तो यू हैव टू हैव अ गुड रीजन फॉर दैट। इसलिए आप एक क्वेश्चन पूछते हो। आज मैं इसी सवाल का जवाब आप लोगों के लिए दूंगी। यही रीडिंग आज लेके आई हूँ। महादेव की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव गाइड करें आज। आज मैं दो ग्रुप्स फॉर्म करने वाली हूँ, ठीक है? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, आपके नेम इनिशियल्स के बेसिस पे कार्ड निकालने वाली हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी उन लोगों के लिए जिनका जो नाम है वो स्टार्ट होता है इन लेटर्स से। देख लीजिए, लेटर्स हैं BDFHIKMOQSUWY। अगर आपके नेम इनिशियल्स इससे स्टार्ट होते हैं तो आज की पहली रीडिंग मैं इसी के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लगा के रखती हूँ इसको, ताकि जितने मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और निकाल रही हूँ, उतने देर आप इसको अपने इनिशियल्स को फाइंड आउट कर सको। सबसे पहले इस इनिशियल के नेम्स की करूंगी रीडिंग, और उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट इनिशियल्स, ये वाली। ये ग्रुप टू रहेगा, AECGJLNPRTVXZ, ठीक है? ये है ग्रुप टू। ओके, तो पहले हम ग्रुप वन की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि है ये। कनेक्ट कीजिए महादेव की एनर्जी से, बोलिए हर हर महादेव। देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो इस लायक क्या हैं कि आप उनका वेट करें या फिर आपको करना चाहिए मूव ऑन, ठीक है? सबसे पहले ग्रुप वन वालों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। द एम्प्रेस कार्ड आ रहा है, द सेवन ऑफ कप्स आ रहा है, द सेवन सॉरी द चैरिट कार्ड आ रहा है, हार्ट ब्रेक आ रहा है, ठीक है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है द टेन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? ओके, नेक्स्ट डेक में से भी कार्ड निकालूंगी। देख लेते हैं इनकी सोल से, स्पिरिट से एनर्जीज क्या आ रही हैं आपके लिए, उसी हिसाब से देखेंगे मूव ऑन करें या नहीं करें। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग यू। ओके ओके, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन। चलिए देख लेते हैं ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं आज ग्रुप वन वालों के लिए। ग्रुप वन के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इस पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, जिनके लिए आप रीडिंग ले रहे हो, इस पार्टनर के आपकी लाइफ से जाने के बाद इनके लाइफ में काफी ऑप्शंस आए हैं। मतलब कि इनके लाइफ में मल्टीपल लोग आए हैं, इन्होंने मल्टीपल लोगों से बातचीतें भी की हैं। हो सकता है जब आपके साथ थे तब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो काफी कुछ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है आपके एनर्जी से निकलने के बाद, या आपसे मूव ऑन करने के बाद, या आपसे सेपरेशन के टाइम में, ठीक है? ये क्या इससे खुश हैं? क्या ये मूव ऑन से पर्सन की लाइफ हो गई है सेट? देखते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। ये जो आपके पार्टनर है ना, ये एक मृग के पीछे भाग रहे हैं, कस्तूरी मृग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? ये अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अपनी ऐसी भावनाएं जो कि, मतलब ये पर्सन बहुत अचल है, और ये पर्सन इसी वजह से किसी और के पीछे गए, या फिर इन्होंने और आपके अलावा और ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, लेकिन वहां पे इस पर्सन को हार्ट ब्रेक मिला है। बिग टाइम हार्ट ब्रेक मिला है इस पर्सन को, रिसेंटली हार्ट ब्रेक मिला है। इस हार्ट ब्रेक की वजह क्या है? इस हार्ट ब्रेक की वजह है आपको धोखा देना। आप एम्प्रेस थे इनके लाइफ के, ठीक है? जानते हैं ये कार्ड क्या है, ये लक का कार्ड है। जब तक आप इनके लाइफ में थे सब था बढ़िया। आप ऐसे इंसान हो ही नहीं जिसको इतनी आसानी से इन्हें लेट गो करना चाहिए था, और ये पर्सन इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। क्योंकि जब दूसरे लोगों से मिले, जब रिलेशनशिप दूसरे में गए, या फिर किसी और को उन्होंने एक्सप्लोर किया, किसी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया, तब इन्होंने ये पाया कि आपके जैसा कोई नहीं है। आपने जिन जिन लेवल्स पे इस पर्सन का सपोर्ट किया है वो इन्हें सपोर्ट और कहीं नहीं मिला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने कंटेनमेंट यहां भी नहीं पाया है।
दौड़ के भाग के तो ये गए थे, लेकिन यहाँ पर भी मुझे इनका रिलेशनशिप बर्डन ही दिखाई दे रहा है। आपके बिना भी लाइफ में सुख नहीं मिला इस पर्सन को, ठीक है। एंड ये पर्सन का ना कहीं गिल्टी है। अगर इस पर्सन के आप पे ट्रस्ट इश्यूज थे, अगर ये पर्सन आपको आपको बुरा भला कह के आगे गए थे, तो ये पर्सन कह रहा है आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू, ठीक है। जो जिस भी वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, ये पर्सन को उसका रिग्रेट है, और ये कह रहे हैं कि जैसा आप मेरे लिए महसूस करते हो वैसे मैं भी आपके लिए महसूस करता हूं या करती हूँ। एंड आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन, मतलब पर्सन आपसे वापस आपको मैनिफेस्ट लाइफ में करना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। ये पर्सन ने आपको छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, इस तरह का रियलाइजेशन कहीं ना कहीं इनके माइंड में हुआ है। इस पे एक्शन लेने में ऑफकोर्स टाइम लग सकता है, लेकिन रियलाइजेशन तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं आंसर करना चाहूं आपके लिए, कंक्लूड करना चाहूं इस रीडिंग को कि क्या आपको इनका वेट करना चाहिए, तो आंसर है बिग यस, कीजिए वेट, थोड़ा समय कीजिए, वेट कीजिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स इनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, और इस पर्सन के लिए आप रुक सकते हो, अभी वेट कर सकते हो, ठीक है। आपको बहुत ही इमिडिएटली मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। सो आंसर इज येस, यू शुड वेट फॉर दिस पर्सन। चलिए नेक्स्ट ग्रुप के लिए देख लेती हूँ कि क्या कार्ड आने वाले हैं। ग्रुप टू, मेरा सेकेंड ग्रुप, जिनके इनिशियल इससे स्टार्ट होते हैं, पॉज करके देख लीजिएगा अपने इनिशियल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। श्री राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री राधे, हर हर महादेव। पहला कार्ड क्या आ रहा है ग्रुप टू वालों के लिए? पहला कार्ड आ रहा है द पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ रहा है द पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर आ रहा है द नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद दिख रहा है मुझे द क्वीन ऑफ Wands, फिर दिख रहा है द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन आई एम गेटिंग द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। चैनल मैसेजेस क्या रहे हैं इस पर्सन की सोल स्पिरिट की तरफ से आपके लिए? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। डीप डाउन क्या फील करते हैं ये आपके लिए चेक कर रही हूँ, कार्ड्स निकाल रही हूँ उसके लिए, मेरे ग्रुप टू वालों के लिए। ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पॉजिटिव रहिए। कम बैक इन माई लाइफ, ओ माई गॉड, इसका आंसर तो आपको पहले से ही पता चल गया है। ग्रुप टू, इतना रिवीलिंग कार्ड, I am just yours. Okay. You deserve better than me. Okay. I know you trust me. And the final card. क्या आ रहा है? आ रहा है Let's show our power of unity to the world. देखो यहाँ पे जो कार्ड है ना, बड़े ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से आ रहे हैं। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको बहुत मैनिपुलेट किया है रिलेशनशिप में, ठीक है। पहले आपको ऐसा दिखाया कि बहुत इनके आपके अलावा तो इनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं इंपॉर्टेंट। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको बड़े सुनहरे सुनहरे सपने दिखाए रिलेशनशिप में, और फिर इन्होंने आपको अचानक से घोस्ट करना शुरू कर दिया, और आप क्या करते रहे? आप इस पर्सन का एकदम बेवकूफों की तरह इंतजार करते रहे। आपको खुद बड़ा बेवकूफ फील हुआ लेटर ऑन कि मैंने ये क्या किया, ये मैंने इतना इंतजार क्यों किया, ठीक है। तो आप तो इनका इंतजार एकदम पागलों की तरह करते रहे, लेकिन ये पर्सन आपको सपने दिखा के लाइफ में आगे बढ़ गए, ठीक है। जितना टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, अच्छा किया, बड़ा अच्छे से बात की, शादी की बात की, इसकी बात की, उसकी बात की, फाइंड दिस पर्सन घोस्टेड यू, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, ये पर्सन ने आपको घोस्ट किया, पर्सन ने किसी को जाके ऑफर भी दिया, ठीक है, और ये रिलेशनशिप कुछ समय तक लग रहा है कि चला भी, क्या हो सकता है रिलेशनशिप में एंटर ना किया हो, ये पर्सन अपने किसी अपने खुद के काम में, ऑफिस में या फिर किसी वर्क रिलेटेड चीज में बिजी हो गए हो, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब क्या वजह है, ये तो कोई वजह है जहां पे ये पर्सन की एनर्जीज वापस आपकी तरफ मुझे शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि ये कह रहे हैं कम बैक इन माई लाइफ, ये सोलमेट कनेक्शन की तरफ दिखा रहा है। इतना इनको मौका मिला भाग जाने का, इनको मौका मिला सेपरेशन का, मौका मिला आपसे दूर रहने का, तो दूर क्यों नहीं रह पा रहे हो भैया? अब कह रहे हैं कम बैक इन माय लाइफ, ठीक है। इतने टॉक्सिक रहे ये पहले, अब कह रहे हैं कम बैक इन माय लाइफ, और कह रहे हैं आई नो यू ट्रस्ट मी। देखो यो प्रॉब्लम क्या है ना, इस पर्सन को ना पता है कि आप इनसे अभी भी प्यार करते हो, ये पर्सन अभी भी आपको किताब की तरह पढ़ सकते हैं, आपके एनर्जीज को फील कर सकते हैं। कह रहे हैं आई नो यू ट्रस्ट मी, कह रहे हैं आई एम जस्ट योर, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की और आपने इनको
इनको एंटरटेन ना किया, उनकी कॉल ना लियो। तो ये कह रहा है आई एम योर, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। अब देखो एक बार ट्रस्ट इश्यूज लाइफ में आ जाते हैं, जो आपके मन में भी इनके लिए आ चुके होंगे, तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल सा ही होता है, ठीक है। बट ये कह रहा है आई एम जस्ट योर, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। ओहो, अब यूनिटी दिखानी है इनको वर्ल्ड को। जब छोड़ के गए थे रोतावा तब यूनिटी नहीं समझ में आ रही थी इनको। ये भी पता है दैट यू डिजर्व बेटर देन दिस पर्सन, ये पता है, लेकिन फिर भी आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सेकेंड ग्रुप वालों के लिए भी आज देखो, ये अच्छा है कि बुरा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रुप टू वालों के लिए भी कार्ड यही है कि यू शुड वेट फॉर सम मोर टाइम फॉर दिस पर्सन। मैं आपसे ये बोलूंगी कि वेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन एक एक दिन अपने लिए पेनफुल मत बनाइए। वेट ऐसा मत कीजिए कि मैं जब ये पर्सन से वापस रिकनसाइल कर जाऊंगा या जाऊंगी तभी मेरी लाइफ अच्छी होगी, वरना तो मेरी लाइफ एकदम कचरा है, ये नहीं सोचना है आपको। इस पर्सन के आने का वेट करें, लेकिन अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली ब्यूटीफुल बनाइए, मूव ऑन कीजिए। मूव ऑन के लिए आपको इस पर्सन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जब कार्ड्स कह रहे हैं तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन अपने आपको एटलीस्ट इमोशनली इंडिपेंडेंट तो बनाओ, ठीक है। अपनी लाइफ को पेन में मत गुजारिए, और अगर बहुत ज्यादा स्टक हो तो एक पर्सनल सेशन आप बुक करा सकते हो। राधे राधे।